अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपी इसको जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हाँ या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हाँ या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए, और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए उनको, एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। एक एक करके प्लीज। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं, यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी,